परिवार से तो मैं भी दूर होके आया था, हमारा जो परिवार था वो चंडीगढ़ में था, अभी हमारे बच्चे भी छोटी क्लासों में थे, लेकिन जब ये मौका मुझे मिला तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको मन लगा के करूँगा, है ना। और आप सबका सहयोग मिलता गया, जिनमें हमारे राणे साहब का सहयोग इतना महत्वपूर्ण था कि मैं भूल नहीं सकता, है ना। और उस सहयोग के साथ साथ हमारे एक कारवा बनता गया। अभी आप लोगों ने देखा इसमें चेकलिस्ट में नशा छुड़ाने की बात थी, तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से बहनें हमारे साथ आती थी भावनगर से, है ना। ये हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी वाले हमसे जुड़ गए। एक हमारे कुलदीप भाई थे भावनगर से, वो योग की शिक्षा देने आते थे, जैसे आपने देखा व्यायाम कितना जरूरी है। तो हमने 3 दिन के अंदर ये सारा प्रोग्राम किया था, और तब भी मेरे मन में भावना आती थी कि भाई इतने तो खाड़ा हैं, है ना, जहाँ पर समान तरह तरह का बिकता है, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में तभी आज 20 साल के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली है देख करके कि कम से कम ये काम यूनियन की मदद से शुरू तो हुआ, पहला बैच आपका तैयार हुआ, तो ये बहुत बड़ी एक अगला कदम है। देर से ही नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना। और हमारे पास आज भगवान की दया से ये हमारा जहाज भंजन मजदूर भवन है हमारे पास। कहने को हमारे अपने यूनियन के पास, अपने मजदूर भाइयों के पास एक चीज अपनी है, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है, है ना। कल हम कहीं इकट्ठा हो रहे तो यहाँ पर इकट्ठा होकर हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। हमारे दूसरे अधिकारी हो सकता है GMB के और हमारे न सुने, लेकिन यूनियन तो हमारा अपना होता है, है ना। यूनियन अपना होता है और उसमें ये शक्ति होती है, इसलिए इस शक्ति का जो आह्वान है हमारे बीच हमारे राणे साहब और उनके सहयोगी कर रहे हैं। अब एक चीज की जो उस समय भी मुझे कमी खटकती थी, भाई हम शिक्षा का भी, जब तक शिक्षा से चेतना आती है, शिक्षा ही आगे के द्वार खोलती है, तो जब तक हमारे मजदूरों को शिक्षा का व्यवस्था नहीं होती है तब तक जो है विकास रुका रहता है, है ना। तो उसको देखिए, हमने अपने 3 दिन के प्रोग्राम में कहा था कि ठीक है गुजराती सीख लीजिए, और गुजरात विद्यापीठ से चौपड़ी आने लग गई गुजराती भाषा की, पेंसिल आती थी, और पढ़ाने वाले भावनगर यूनिवर्सिटी से आते थे। राणे साहब को मालूम है 4 विद्यार्थी हमारे पास भावनगर विश्वविद्यालय से, तो आज हमारा भावनगर विश्वविद्यालय से भी पूरा जुड़ाव है। अलंग मेरे साथ जिंदगी में जुड़ गया, मैं अलंग को भूल नहीं सकता और अलंग मुझे नहीं भूल सकता, है ना। क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ स्टार्ट करवाया था और आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए राणे साहब के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक पुस्तकालय की यहाँ व्यवस्था हो, मजदूर भाई हमारे यहाँ आ करके एक रीडिंग रूम हो जहाँ बैठ करके 2-4 बातें करें, चाहे अपने विश्राम कोना है, यहाँ देखा समझ लीजिए विश्राम कोना है, यहाँ पर आकर के अपनी बात करेंगे। तो सर 2 कमरे हैं नीचे में, मेरा निवेदन है कि वे एक कमरे पर तो वो जो किताबें हैं पुस्तकालय की वो रख दी जाए, किसी की ड्यूटी लग जाए भी, वो कोई अगर इशू कराना चाहे तो इशू करा के ले जाए, रिटर्न करे, और एक कमरा जो हो रीडिंग रूम में हो जाए। तो मैं अपना एक हम्बल एक छोटा सा निवेदन करूँगा कि आज मेरी बेटियाँ जो हैं मेरे बीच नहीं हैं, मेरे साथ नहीं हैं, उनको भगवान ने बुला लिया, तो उनके नाम से एक बेटी थी मेरी दिव्योत और पर दोनों आज दुनिया में नहीं, तो दोनों के नाम से जो खर्च होगा मैं उनके नाम से ये दान हमारे जहाज भंजन, है ना, इस यूनियन को, इस भवन को मैं देता हूँ ये दोनों, और जो पुस्तकें हैं पुस्तकें भी मैं दूंगा, क्योंकि देखिए आप लोगों की दया से दुनिया भर की पुस्तकें मेरे पास आती हैं, क्योंकि मैं खुद एक लेखक हूँ। जब यहाँ पर रहता था तब भी मैंने बहुत लेखन किया, अलग का बहुत प्रसिद्ध, मैं अपने भाइयों को यहाँ से भावनगर के जो हमारे गुजराती के मित्र हैं, गुजराती साहित्यकार हैं, उनको बुलाता था कि सर यहाँ पर, और यहाँ पर हुआ भी ट्रेन वेली वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में शाम को कवि सम्मेलन हुआ, उसमें हमारे गुजराती भाई सारे आए, हिंदी के आए, और एक हम लोगों ने कवि सम्मेलन भी किया।
वल्लभ विद्यानगर जो है यूनिवर्सिटी, वहाँ से जो हमारे पुराने आदमी हैं जहाँ हमको मालूम होगा, चौहान साहब आए थे यहाँ पर अपनी टीम लेकर के, नाटक भी करते थे, नुक्कड़ नाटक यहाँ पर हुए अगर लोगों को याद हो, अलग में वो प्रोग्राम भी किया है ना। तो एक बहुत अच्छा माहौल, एक सांस्कृतिक माहौल भी, आप लोगों में से बहुत से टैलेंटेड लोग हैं। सर मुझे याद है एक मजबूत में हमारे इतनी अच्छी कविताएं लिखते थे, है ना, है शिवजीत पांडे जी, बहुत अच्छा कविताएं सुनाते थे, और आप में से बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। तो एक मंच मिलना चाहिए, और मेरी आवाज मिल रही है ना सर, तो एक मंच मिल जाएगा जब हमारे पास ये पुस्तकालय होगा, तो जो किताबें मैंने लिखी हैं वो सारी मैं यहाँ पर मुहैया कराऊंगा, दुनिया भर की किताबें मेरे पास आती हैं वो सारी यहाँ पर आपको भेज दिया करूँगा, मैगजीन्स भी भेज दिया करूँगा, पढ़ने के लिए आपको कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसके साथ निवेदन ये रहेगा राणे साहब से कि उसको यथाशीघ्र शुरू करवाया जाए, वैसे मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूँ, उसको स्टार्ट करवाया। और मेरा मेरा नाता अलंग से जुड़ा हुआ है, जब तक मैं जिंदा हूँ ये जुड़ा रहेगा, है ना, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम अलंग करने जा रहा है पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया में इसका नाम, अलंग का नाम रोशन होगा। और क्या आपको बताऊँ मैं कि जिस समय ये हमारे यहाँ इतने सारे जहाज टूटने के लिए आते थे, तो मैं आज गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में, मैं हमारे ओएस की होता होते थे, उनसे मैंने कहा कि सर दुनिया भर की तो लेबोरेटरी यहाँ आपके सामने खड़ी हो जाती है, हमारे पास हिंदुस्तान में एक जहाज बनाने की क्षमता नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी आपके द्वार पर खड़ी हुई, तो क्यों नहीं आप यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देते हैं, क्यों नहीं एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाता है यहाँ पर, हमारे बच्चों को यहाँ तुरंत प्रशिक्षण मिले, सामने तो है। तो ये बातें देखिए उठती है, उस पर विचार होता है, जिस तरह से होगा, हो सकता है कालांतर में यहाँ यूनिवर्सिटी भी बने, ये भी हो सकता है। तो अलग जो है एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है, बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा, और राणे साहब जैसे और हमारे पटेल सर जैसे, पल्लवी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और सबसे अच्छा देखिए हमारे खाड़ी की जो मालिकाएँ हैं खुद उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया है, कभी हम पहले जो हमारी हालत थी आज उससे बहुत अच्छी हालत है, प्लांट में जैसे हम लोग देख के आए, तो इसी तरह से और लोग भी जुड़ जाएंगे, मेरे कहने का मतलब कि बाकी लोग अगर नहीं जुड़े तो और भी जुड़ जाएंगे, जब आपका साथ देखेंगे ना, मॉडल देखेंगे तो सब लोग सामने आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सब लोग सामने आएंगे, क्योंकि चेंज होता है ना, परिवर्तन सब में होता है, तो जितना भी धीरे हो लेकिन परिवर्तन सब में होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, है ना, खास करके राणा साहब को, उन्होंने फिर मुझे अवसर दिया कि 20 साल बाद ही सही आज आके देखिए आप, हालांकि मैं अपने अभी वेलफेयर उसमें नहीं जा पाया, ट्रेनिंग एंड वेलफेयर में मुझे पता लगा कि 12 दिन का कोर्स करते हैं, अच्छी बात है, है ना, वो तो लगातार चलते रहना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक और पैरेलल व्यवस्था है, हम यहाँ पर छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे, जैसे अभी IELTS किया, आपको जो सर्टिफिकेट दिए गए इनका बड़ा महत्व है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बिल्कुल साधारण चीज ना समझिए, एक सर्टिफिकेट हमें मिला है ना, और ये हम इसको संभाल के अपनी डायरी उसमें रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इसलिए जो चेकलिस्ट है उसे भी अपने पास रखेंगे, और आप सारे ट्रेनर बन गए, है ना, ट्रेनर का मतलब ये है सिर्फ आपको अपने तक छुपा के नहीं रखना है, इसको आगे बढ़ाना है, इस चेतना को आगे बढ़ाना है, और लोगों को बताना है, और लोगों को जोड़ना है, और भविष्य में और भी प्रोग्राम इस तरह के होंगे, IELTS जुड़ा हुआ है, इस तरह के लगातार प्रोग्राम चलेंगे, तो एक दिन का नहीं होता, सीखना तो लगातार ज़िंदगी भर चलता है, सीखना हमेशा चलता है। और मुझे याद है स्टील प्लांट में मैं काम करता था, वहाँ भी हम लोग क्या है कि हर साल एक आदमी को, चाहे मजदूर चाहे स्लिंग लगाने का ही काम है उसका, लेकिन उसकी भी ट्रेनिंग हर साल होती थी। अब आप कहेंगे भाई वो तो स्लिंग लगाता है उसको क्या ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीज़ें सर हम भूल जाते हैं धीरे धीरे, जो चीज़ व्यवहार में भूल जाते हैं, लेकिन वो आवश्यक होती है जानना, इसलिए उन चीज़ों को लगातार रिपीट करते रहना चाहिए ताकि वो हमारे जहन में हमेशा रहे। और सेफ्टी तो ऐसी चीज़ है कि अपने लिए है, वो तो सबसे पहली बात है ना, जो चीज़ अपने लिए है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है सावधान रहना,
है ना, यह शरीर किसी और का नहीं, अपना शरीर है, इसलिए इसको किस तरह से ठीक रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरह बैठ के काम करना है, इस तरह खड़े होकर काम करना है, सारा अपने ट्रेनिंग में सीखा और इसको हमको अपने जीवन में उतारना है। जो लोगों को भी बताना है, कमर दर्द वहाँ का दर्द बहनों ने बताया था, और ये सबको स्वाभाविक है, उम्र के साथ होता है। तो हम लोग अपने कार्यशैली में उसी तरह से परिवर्तन करके और अपने मालिकों को भी बता के, और एक बहुत ही मैं आपको रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ, सर ध्यान से सुनिएगा भैया, भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा, रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। जो उस ट्रेनिंग में मुझे प्राप्त हुई है, वो इसके पहले भी मैं उनसे कहता था, हमारे स्टील प्लांट में एक कॉन्सेप्ट चलता है सेफ्टी सर्कल, जो पीछे जापानीज भाई बैठे हुए हैं हमारे शिक्षक, उन्होंने ही वहाँ बताया था, हम लोगों ने स्टील प्लांट में चालू किया था सेफ्टी सर्कल। सेफ्टी सर्कल का क्या होता है, इसी तरह की कमेटी बनती थी, कमेटी बन के उसमें शिफ्ट इंचार्ज भी है, मजदूर भी हैं, ऊपर सुपरवाइजर भी हैं, ये सारे लोगों का सहयोग उसमें मिलता था, और वो इसी तरह से पॉइंट देखते थे कहाँ पर सेफ्टी की आवश्यकता है, कहाँ क्या गलत हो रहा है, उसको नोट करके, मान लीजिए सप्ताह में मीटिंग हुई तो 15 दिन में मीटिंग हुई, बैठ करके उस पर चर्चा हुई, और वो चीज़ जो है वो सारे मजदूरों में बात पहुँच गई, उस पर जो एक्शन होगा वो जब लिखित रूप से रिकमेंडेड ऊपर जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो उसको रोक सकती है, यही रहस्य की बात है। संघ में शक्ति है, संघ में शक्ति है, आप 10 आदमियों का रिकमेंडेशन जाएगा, चाहे लाखों रुपए की वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, हमारा मालिक हमारे ऊपर कार्य करता है, वो करेंगे ही, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जन कल्याण में इतने लोगों का उस यही रहस्य की बात है, संघ में शक्ति। इसलिए जहाज भजन जो हमारा संघ बना है, ये भवन, इसके साथ आप हमेशा जुड़े रहिए, संघ का शक्ति है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, अलग का पुनः पुनः धन्यवाद, जय अलग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का एक बार फिर से, और इस मौके पर मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर गवा को, यूनियन को, जो कि इतनी मजबूत है, और अब तक इन्होंने जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, जो संगठित मजदूर हैं, उनके बीच में काम करा है, और एक बहुत ही सराहनीय पहल करी है जो असंगठित क्षेत्र है उनके मजदूरों को साथ में जोड़ने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत सराहना इनकी, और बहुत बहुत इनको बधाई के ये कर पाए इस चीज़ को, धन्यवाद बहुत बहुत आज का ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, और जो भी आपके साथ जुड़े ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए, चावला जी, राम जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, वाजे जी और नलावे जी, दिन रात की मेहनत थी, और अंसारी भाई, और बहुत अच्छे से गया पूरा प्रोग्राम, संजय भाई को हमने बहुत याद करा, वो रहते तो और अच्छा लगता सबको, और सब उनके साथ है, ठीक हो जाएंगे वो जल्दी से हमारे बीच में वापस होंगे, और भी बहुत साथी रहे हैं हमारे, जीतू भाई थे, रामजी भाई, सब रहे हैं हमारे साथ, नाम भाई सब लोग रहे हैं, और ख़ास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख भाई का भी यहाँ पे आए, हंसू भाई का वो आए नहीं यहाँ पर, लेकिन बहुत साथ रहा, लीला खुद का, सब जितने GMP का जितने भी लोग हमारे साथ रहे आज यहाँ आने पर, लेबर डिपार्टमेंट से भी जो एडिशनल लेबर ऑफिसर हैं उन्होंने भी हमको बोला कि वो आने चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए इस समय, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने तक, यहाँ तक इस मुहिम को पहुँचाने के लिए। इसी के साथ राय साहब आप आज का प्रोग्राम क्लोज करता हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी माननीय महासचिव जी तथा हमारे सभी बीच उपस्थित भाइयों और बहनों, ये जो 17 आप लोगों ने जितना अच्छा से साथ दे करके इसको पूरा किया है, इसके लिए मैं सब आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं
अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे कोई औकात नहीं है। आप लोगों के ही सहयोग से सारा ये चीज़ सब सम्पन्न हुआ है, तो मैं इसके लिए सब आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। साथियों, अभी आखिरी बात करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 5 या 10 मिनट में ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद राम जी जो लोगों ने ट्रेनिंग यहाँ दिया लिया है, जिनको सर्टिफिकेट मिला है, वो यही रुकना है। हाँ, आप कुछ साइन भी कुछ करना है, और राम जी और हमारे नलावड़े अंसारी जी आपको बताएंगे। बाकी हम सब लोग जो पार्टिसिपेंट नहीं थे वो नीचे जाएंगे और अपना अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, आप लोग नहीं आते तो ये कार्यक्रम नहीं होता, ये कार्यक्रम यशस्वी नहीं होता। मैं ये भी समझता हूँ कि आप लोगों की ये प्राथमिकता नहीं है, ये ट्रेनिंग अटेंड करना, 3 दिन आके सीखना, ये आपके लिए जरूरत, जब भी यहाँ आए आप तभी इतना मायना नहीं रखता था, लेकिन 3 दिन आने के बाद आपने उसमें इंटरेस्ट लिया और 3 दिन टिके रहे, और जैसा कुछ आपको ठीक लगे वैसा आके लोगों को भी बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आदमी कितना चला है, आदमी कितना चलता है, इससे ज़्यादा कौन से रास्ते से चलता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सही रास्ता आपने चुना है ट्रेनिंग का, और इसलिए सभी को आपको आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का ट्रेनिंग आप बिल्कुल करेंगे, आए लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आए लोग आकाश में हवाई जहाज से घूमने वाले सब लोग वो हमारे रास्ते पे आ गए। ये योशी और ये पल्लव आपके बाजू में खाना खाने को कुर्सी पे भी नहीं, नीचे बैठे, तो इसका मतलब ये है कि वो तुमको भी अपने में से एक मानते हैं, और उसमें उनको आनंद आया, उनको खुशी हुई आपके साथ खाना खाते समय। लास्ट टाइम मुझे मालूम है कि 24 लोग आए थे, बहुत से परदेश थे, वो लोगों के लिए हमने यहाँ का खाने का बंदोबस्त किया था, आप लोगों के लिए नीचे खाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन उसमें से कई लोग जो डाकमार वगैरह थी, ये पल्लवी भी, वो मुझे बोले कि हम यहाँ खाने में हमें अच्छा नहीं लगा, हम नीचे जाके उनमें से खाना खाते तो हमको और खुशी होती और अच्छा लगता। तो आप उन्होंने ये आज उसकी इच्छा थी पूरी की है, सभी को धन्यवाद। यूनियन आपकी है, ये जहाज बंजर मजदूर भवन जो है, ये बिल्डिंग है, ये आप लोगों का है। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, काम कुछ हो ना हो, जैसे भी यहाँ से जाएंगे, कि राम पटेल जी यहाँ बैठे रहते हैं, अंसारी जी बैठा रहता है, और भी 4-5 ऑफिसर हमारे यहाँ बैठे रहते हैं, आओ मिलो, कैम छो करो, उनको पूछो, आगे जाओ, ऐसा आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई चलो अपने लोग ये बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, चावला जी को मैं, पारस भाई को तो धन्यवाद देना चाहूँगा, और पारस भाई का जो प्लॉट है कुछ 100 के ऊपर लोग काम करते हैं, वहाँ हम ई श्रम का उनकी परमिशन से एक कैंप वहाँ लगाएंगे, और वहाँ के जो कुछ 80-100 लोग हैं उनको कार्ड देंगे, मुफ्त देंगे सब लोग, हम सब उसकी बंदोबस्त करेंगे। वैसे ही और भी कोई रिसाइकलिंग के यूनिट्स हैं छोटी मोटी, उनको इस तरह का कुछ काम करना है तो भी हम उसमें से करेंगे। हमारा एक इसका मकसद ये है, जहाज भंजन से जो जो मटेरियल आता है वो मटेरियल लेके जाने वाले, बेचने वाले, उनके ऊपर प्रोसेस करने वाले पारस भाई जैसे बहुत लोग, और वो लोगों का और जहाज भंजन के मालिक लोगों का भी एक दूसरे के साथ उठना बैठना हो, एक दूसरे को जानने से बहुत फायदा होता है। हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो अलग ढंग से उसको देखते हैं, लेकिन जानते होंगे तो ये अपना आदमी है, ये अप्रोच होता है, और उसमें से अच्छा रास्ता बनता है, अच्छी बात बनती है। तो ये हम सिलसिला डेफिनेटली आगे चलाएंगे। राज सवाल चावला जी, जैसा पारस भाई का हमने पहले आइडेंटिफिकेशन नहीं किया था, यही इंडस्ट्री में जाकर उनको मालूम ही नहीं था ये इंडस्ट्री की है क्या है, उनके बाजू वाले जो हमारे साथी है ना, वो हेमंत भाई के पास गए, हेमंत भाई ने खुशी से हमारा स्वागत किया, चाय वाय भी ऑफर किया, और बोले आपको हमसे भी अच्छा कुछ यूनिट देखना है तो पारस भाई किया, उनके पिताजी के या किससे उन्होंने बात की, बोल दी, बोले नहीं हमारा बेटा बैठा है, आप उनको लेके जाइए, और वहाँ जाने के बाद ये सिलसिला चालू रहा। सब हो गया, एक चावला साहब का और हमारा बहुत पुराना रिश्ता, अभी हम यहाँ जब आते थे हमारा ऑफिस नहीं था, कुछ झगड़ा हो गया इधर उधर का, हमारा ऑफिस रास्ते में आता था,
सामान फेंक देते थे, तो ये टाइम में हमें कुछ लोगों ने जो सहयोग दिया उसमें से एक है चावला साहब, उनके लिए वो हमारे दोस्ताना है, एकदम घरेलू दोस्ताना है। उनका एक बड़प्पन ये है कि ये हमारी यूनियन को देने के लिए पूरी किताबें जो है उन्होंने लिखी है, वो उन्होंने ये की है, डोनेट की है यूनियन के लिए, और उन्होंने एक सजेशन दिया है कि एक ऐसा कॉर्नर आप यहाँ तैयार करिए, उसको लाइब्रेरी बोलिए या कुछ रिलैक्स कॉर्नर बनाइए, जैसा कभी कटाल जाते हैं कुछ ये करना है तो कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, तो वैसे एक कॉर्नर यहाँ तैयार करिए जिसमें इस तरह की सब पुस्तकें रखिए और भी कुछ बुक्स है वो रखिए, मैं भी कुछ अब भेज दूँगा और वो सब लोगों के इस्तेमाल में आ जाए। उनका एक बड़ा फल यह है कि उन्होंने जो कुछ खर्चा होगा वो मैं दे दूँगा ऐसा बोला, लेकिन वो खर्चा उन्होंने बहुत दिमाग में उनको जो रखा है, तो मैं अंसारी और नलावड़े जी को बोलना चाहता हूँ कि चावला साहब यहाँ से चंडीगढ़ जाते ही 2,00,000 रुपये यूनियन को डोनेट करेंगे इस काम के लिए। तो चावला साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये किताबें जो है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा यूनियन को देना है तो अंसारी के हाथ में सब दे दो, और आपका जो सपना है वो जल्दी हम पूरा करेंगे, उसमें से जो कुछ होगा एटलीस्ट शुरू तो करेंगे वो कॉर्नर, और वो कॉर्नर आपकी दोनों बिटिया जिन्होंने आर्मी में काम किया ऑफिसर करके, आर्मी में मेजर करके काम किया है, ऑफिसर करके काम किया है, दुर्भाग्यवश हमारे बीच वो नहीं है, चावला जी की पत्नी भी उनके साथ नहीं है, बेटा है, तो ये आदमी ऐसा है कि समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपकी जो विश है ज़रूर हम पैसा खाली इनके पास जाए। साथ नाम धन्यवाद, ये मीटिंग खत्म हुआ, आप सब लोगों को इधर ही बैठना है, राम जी नलावड़े जी अंसारी जी और वाजे साहब करेंगे, आप लोग हमारा एक आपसे एक ही विनती है कि आप यूनियन के मेंबर बनो, यूनियन के मेंबरशिप की फी जो है खाली 11 रुपये है एक साल, वो 11 रुपये आज दे या नहीं दे दो, लेकिन आपका फॉर्म वगैरह वाजे साहब भर के देंगे, वो भरेंगे जो आपको हम कुछ देने वाले हैं उसमें से भी वो शायद वो एडजस्टमेंट करेंगे, और राम जी आपको बताएंगे, आप सब लोगों को मंजूर है ना सब यूनियन से जुड़ा होना, थैंक यू वेरी मच। तो ये मीटिंग खत्म हो गई, वापस एक बार जोशी गुरु जी बैठे हो।